हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो ग्रैंड प्रीस्ट ड्रैगन बॉल टीम एक ऐसा नाम जिसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। वो एक एंजल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है, मतलब गॉड से कम नहीं उसकी पावर एंड एबिलिटीज। अभी तक उसका फुल पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एनिमे में मांगास के अंदर जितनी भी उसकी पावर एंड एबिलिटीज देखने को मिली थी ना, उसी के बेस में हम उसको आज कंपेयर करने वाले हैं मार्वल एंड डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ। एंड ये चीज हम जरूर देखेंगे कि जो ग्रैंड प्रिस्ट है ना, उसकी अभी तक कितनी पावर्स हमें देखने को मिली है एंड इतनी पावर्स में वो मार्वल एंड डीसी के किन पावरफुल बींग्स को बीट करने की पावर रखता है। मतलब यार सीरियसली, सुप्रीम बींग्स तक तो वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सुप्रीम बींग के लिए टॉरीबोट है ना, मतलब ड्रैगन बॉल जी में टॉरीबोट है सुप्रीम बींग के लिए। तो अभी तो सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ग्रैंड प्रिस्ट जो है मार्वल एंड डीसी के किन पावरफुल बींग्स को, किन पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट करने की पावर रखता है एंड वो कहां तक जाता है मार्वल एंड डीसी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रैंड प्रिस्ट की पावर एंड एबिलिटीज को, उसके बाद करेंगे मार्वल एंड डीसी के पावरफुल जो फेमस कैरेक्टर्स जो अभी तक हमें देखने को मिले थे ना, उन कैरेक्टर्स के साथ उसका कंपैरिजन। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड प्रिस्ट की पावर एंड एबिलिटीज की। ग्रैंड प्रिस्ट जो कि हमें जीनो के गार्डियन फिगर के रूप में देखने को मिला था, इसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी 13 एंजल्स है ना जो एग्जिस्ट करते हैं ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर, उन सभी में ग्रैंड प्रिस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल एंजल है। एंड जो 12 एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ काम करते हैं ना बाकी यूनिवर्सिस में बैलेंस मेंटेन करने का, उन सभी की जो पावर एंड एबिलिटीज है वो तो हम सभी को पता है कितनी ज्यादा है। जैसे विस वडोना कितने ज्यादा पावरफुल एंजल्स है हम सभी जानते हैं। तो ग्रैंड प्रिस्ट इन सारे पावरफुल एंजल्स की पावर्स को कंट्रोल में रखते हैं, चेक करते हैं कि कोई एंजल अपनी पावर का फुल पोटेंशियल तो यूज नहीं कर रहा है, कोई एंजल अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इन चीजों में ग्रैंड प्रिस्ट उनकी पावर्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो हम सभी जानते हैं यार एंजल्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो ग्रैंड प्रिस्ट तो उनकी पावर्स को भी कंट्रोल में रखते हैं। तो ग्रैंड प्रिस्ट टॉप 5 मोस्ट पावरफुल बींग्स में आते हैं ड्रैगन बॉल के। एंड लिटरली जो विस था ना, उसने एक बार खुद कहा था कि जो ग्रैंड प्रिस्ट है सभी एंजल से बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ क्रिएशन, जितने भी एंजल्स, जितने भी सैयंस है ना, ये सारे मिलकर के भी अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करके ग्रैंड प्रिस्ट के साथ लड़ने को जाए ना, तब भी ग्रैंड प्रिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे यार। सीरियसली, ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर से उनको एग्जिस्टेंस से ही रेज कर देगा। जो अपना ग्रैंड प्रिस्ट है ना, उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो सभी एंजल को एक साथ खत्म भी कर सकता है। सभी एंजल की स्ट्रेंथ में ग्रैंड प्रिस्ट की जो स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा है, उसकी जो स्पीड है पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे फास्ट स्पीड है उसकी। एंड वो फ्लाई की, मतलब उड़ने की ताकत भी रखता है, साथ ही जो ग्रैंड प्रिस्ट है उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी है। पूरे ड्रैगन बॉल का जितना भी बड़ा यूनिवर्स है ना, उसमें वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने आप को भी टेलीपोर्ट कर सकता है, एंड जिसको भी वो सोचेगा ना उसको भी वो टेलीपोर्ट कर सकता है। जैसे कि जो अपना वर्ल्ड ऑफ वॉइड था ना, उसके अंदर जितने भी वॉरियर्स थे ना, उन सभी को जब एंड में जब बैटल हो गई थी, तो उन सभी के घर में जो अपना ग्रैंड प्रिस्ट था उसने उनको टेलीपोर्ट कर दिया सिर्फ अपनी थिंकिंग से। ग्रैंड प्रिस्ट एक इमोर्टल बीइंग है जिसके पास पावर है किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज करने की। मतलब इमोर्टल है ना, तो जब तक वो खुद ना चाहे ना, तो किसी को भी, मतलब कोई भी उसको मार नहीं सकता है। एंड लिटरली वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है, किसी को वापस एग्जिस्टेंस में ला भी सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट के पास पावर है कि वो किसी की भी पोजीशन को खत्म कर सकता है। मतलब जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, गॉड ऑफ क्रिएशन होता है, कोई भी एंजल होगा ना, तो वो उसकी पावर्स को पावरलेस भी कर सकता है किसी को, एंड किसी की पोस्ट को वो एकदम खत्म कर सकता है, उसको नॉर्मल ह्यूमन भी बना सकता है, किसी को बहुत सारी पावर्स दे भी सकता है वो बंदा। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब जितना भी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है उसके अंदर जो अभी फ्यूचर में जो भी चल रहा होगा ना, कोई भी एंजल क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजों पे ग्रैंड प्रिस्ट नजर बनाए रखता है। जैसे जीनो है ना, वो एक डिस्ट्रॉयर है, एक तरह से वो डिस्ट्रॉयर है, तो जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो एक तरह से एंजल है। जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एक एंजल होता है ना जो उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग देता है, वैसा है मतलब ग्रैंड प्रिस्ट जीनो के साथ। एंड लिटरली जो ग्रैंड प्रिस्ट है उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा है, वर्ल्ड ऑफ वॉइड में जब बैटल चल रही थी ना, तो जो चीजें जीनो भी नहीं देख पा रहा था वो चीजें ग्रैंड प्रिस्ट देख पा रहे थे। मतलब उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है। ग्रैंड प्रिस्ट मैजिक मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके पास एनर्जी शील्डिंग की पावर है, मतलब वो अपने आगे एक बहुत बड़ी एनर्जी शील्ड बना सकता है जिसकी वजह से पावरफुल अटैक्स को वो रोक सकता है, उसको कम डैमेज मिलता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी वैसे बहुत ज्यादा है। साथ ही उसके पास पोर्टल ओपनिंग की पावर भी है, मतलब वो किसी भी रेलम में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है अपने सिर्फ थिंकिंग से। वो बंदा रैपिंग की पावर भी रखता है, मतलब जो रैपिंग पावर्स होती है ना उनकी पावर भी है उसके पास, वो एबिलिटी भी है उसके पास। साथ ही उसके पास अल्ट्रा इंस्टेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसे गोकू है, एंजल्स है, जो भी मतलब ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर जो भी अपना अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करता है ना, उसके कंपेयर में ग्रैंड प्रिस्ट का अल्ट्रा इंस्टेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर। क्योंकि जो ग्रैंड प्रिस्ट है ना, उसका जो अल्ट्रा इंस्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखो जो गोकू है ना, उसके अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के बाद उसका
स्टेमिना काफी ज्यादा खत्म होता है ना, वैसा मतलब ग्रैंड प्रिंस के साथ नहीं होता है। ग्रैंड प्रिंस की पावर मतलब इसकी वजह से उसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ओपोनेंट को दिखेगा भी नहीं कैसे कैसे अटैक मार के चला जाएगा वो। तो अभी बात करते हैं अपने कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल के कैरेक्टर्स की। तो लो लेवल के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, अगर वो अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करके भी ग्रैंड प्रिंस के सामने लड़ने को चले जाए ना, तो यार ये सारे कैरेक्टर कुछ भी नहीं है ग्रैंड प्रिंस के आगे। मतलब ग्रैंड प्रिंस अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल, अरे यार वो अपनी पावर्स का छोटा सा भी यूज नहीं करेगा ना, तब भी इन सारे कैरेक्टर को खत्म कर सकता है। वैसे हमने कभी ग्रैंड प्रिंस को बैटल करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी मतलब अगर वो यहाँ पे हैंड टू हैंड करने का भी ट्राई करेगा ना, तो उसके पंचेस की जो वेव्स पैदा होगी उन्हीं से ये सारे कैरेक्टर्स मर जाएंगे। तो यहाँ के कैरेक्टर्स है जैसे कि एजेंट ऑफ शील्ड के मेंबर्स ग्रीन एरो, होकाई, कीकेस, नाइटविंग, कैटवुमन, नताशा। ये सारे कैरेक्टर लिटरली काफी ज्यादा मतलब पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अगर ग्रैंड प्रिंस इनके सामने खड़ा होगा ना, तो उसके पंचेस की जो वेव्स पैदा होगी लिटरली ये सारे कैरेक्टर उन्हीं से मर जाएंगे। ये सारे कैरेक्टर उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की तरफ। तो नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं जैसे कि शज़म, बैटमैन, आयरन मैन, हल्क, थॉर, सुपरमैन, वांडा, वंडर वुमन, वुल्वरीन एंड सुपर गर्ल। तो यहाँ के कैरेक्टर्स मानते हैं काफी अच्छी पावर्स रखते हैं, लाइक सुपरमैन हो गई, वांडा हो गया, वंडर वुमन हो गया, बैटमैन एंड आयरन मैन। लिटरली अगर उनको यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस की वीकनेस का पता चल गया तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे यार, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस इन सारे कैरेक्टर्स को एग्जिस्टेंस से ही रेज करने की पावर रखता है। यहाँ पे वैसे थोर, हल्क मतलब इतने पावरफुल बींग्स भी है ना, तब भी यार इन सारे कैरेक्टर्स को अगर मान लो ग्रैंड प्रिंस इनके ओपोनेंट में खड़ा है और ग्रैंड प्रिंस चाहे तो इन सारे को पावर लेस कर सकता है, इन सारे की पावर्स को ही छीन लेगा वो और इन सभी को आराम से हरा देगा। तो यहाँ पे भी ग्रैंड प्रिंस जीत चुका है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की तरफ। तो नेक्स्ट लेवल के जो कैरेक्टर है वो आते हैं जैसे कि रियोन किंग, थॉर, मिस्टर मैग्नीफिसेंट, लाइक सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, डॉक्टर मैनहट्टन, सेंट्री, नल एंड मॉलिक्यूल मैन। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ज्यादा पावरफुल में आते हैं ना वो आते हैं जैसे कि डॉक्टर मैनहट्टन, रियोन किंग, थॉर, नल भी काफी ज्यादा पावरफुल में आता है, मतलब लगभग ये सारे कैरेक्टर्स ही काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो रियोन किंग थॉर है उसके बारे में ये कहा गया, मतलब काफी आसान भाषा में कहूँ ना तो उसके बारे में साफ साफ कहा गया है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत आराम से देख सकता है, मतलब फ्यूचर जो एंड है ना बिल्कुल वहां तक वो देख सकता है। एंड लिटरली बाकी कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रियोन किंग थॉर के बारे में ये चीजें काफी क्लियरली बताई गई है, ठीक है। तो यहां पे रियोन किंग थॉर ये चीज जरूर देखा गया कि जो इसके ओपोनेंट में कैरेक्टर खड़ा है ग्रैंड प्रिंस वो कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड फ्यूचर देखेगा कि मतलब कोई पॉसिबिलिटी है इसको हराने की या नहीं है। और लिटरली उसको फ्यूचर देख के यही पता चलेगा कि भैया कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पे जितनी भी पावर यूज कर लो ये सारे कैरेक्टर टीम वर्क भी कर लेना तब भी ग्रैंड प्रिंस को नहीं हरा पाएंगे, ग्रैंड प्रिंस इन सभी को एग्जिस्टेंस से रेज करने की पावर रखता है। वैसे कई कैरेक्टर्स तो यहाँ पे इमोर्टल भी है, लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रिंस भाई ड्रैगन बॉल जी के लाइक एंजल्स को इरेज कर सकता है, तो भाई ये सारे कैरेक्टर्स को भी कर ही पाएगा। तो यहाँ पे भी अपना ग्रैंड प्रिंस जीत चुका है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की तरफ। तो नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स अभी आते हैं डेथ, एटर्निटी, इन्फिनिटी, किस्मत, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ऑब्लिवियन, एंटी मॉनिटर। नाम से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मार्वल एंड डीसी के कितने पावरफुल बींग्स अभी ग्रैंड प्रिंस के सामने खड़े हैं। ये कैरेक्टर्स नाई ओमनीपोटेंट क्राइटेरिया में आते हैं, इनकी पावर एंड एबिलिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं नाई ओमनीपोटेंट बींग्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस को अपने अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज भी करना पड़ेगा, स्पीड का, फ्लाइट का, एंड अभी उसको अपने यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्टेमिना सबका यूज करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है ना अल्ट्रा इंस्टेंट का काफी अच्छा यूज करे ना, मतलब अपने पावर्स का अच्छा खासा पोटेंशियल यूज कर ले, तो यहाँ के कैरेक्टर्स को वो लगभग 80-90% के बीच के स्टैमिना में हराने की पावर रखता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मतलब इतनी पावर्स उसको यूज करना ही पड़ेगी। वैसे उसका अभी तक फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है, लेकिन मांगा में एंड एनिमे में जो भी पावर्स देखने को मिली थी ना उसी के बेस में ये बैटल चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे लगभग 80-90 अभी तक की जितनी पावर ग्रैंड प्रिंस की देखने को मिली है उसमें इन सारे कैरेक्टर्स को वो बीट कर सकता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स आते हैं लिविंग ट्रिब्यूनल, प्रोटेजी, एलेनिक, ब्लॉक वन बिलो ऑल, ग्रेट इविल बीस्ट, लूसिफर मॉर्निंग स्टार, प्री रेडकॉन बियॉन्डर, माइकल डेमर्गस। तो अभी आप लोग समझ गए कि ये सारे कैरेक्टर इतने ज्यादा पावरफुल है कि ग्रैंड प्रिंस की अभी तक जितनी पावर्स हमें देखने को मिली है ना उसमें वो इन सारे कैरेक्टर्स को नहीं हरा पाएगा, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स है टीम वर्क करे ग्रैंड प्रिंस को आराम से हरा देगा। और यहाँ पे एलोनिक ब्लॉक है, प्रोटेजी है, वन बिलो, अरे भैया कितने ज्यादा पावरफुल बींग्स है, लिटरली बता रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स आराम से ग्रैंड प्रिंस को हरा सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस की अभी तक वैसे भी फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है, तो जितने भी अभी तक उसकी पावर्स देखने को मिली है ना उसमें तो ये सारे कैरेक्टर हरा सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। और बात करें इनसे ऊपर लेवल
के कैरेक्टर्स की, दी फलक्रम, दी प्रेजेंस की तो नहीं हरा सकता है ग्रैंड प्रिस्ट इन सारे कैरेक्टर्स को, मतलब नीचे वालों को नहीं हरा पाएगा तो ऊपर वालों को तो कहां ही यार। और वैसे मैं बता चुका हूं कि सुप्रीम बींग्स को तो भैया नहीं हरा पाएगा क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट कोई सुप्रीम बींग नहीं है, तो वन अबव ऑल दी राइटर इनसे तो मतलब वो पंगा लेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे जहां तक मुझे लग रहा है ना, जो अपना ग्रैंड प्रिस्ट है मार्वल एंड डीसी में, ज्यादा से ज्यादा डेथ, एटर्निटी, इन्फिनिटी, मतलब इस लेवल तक जा सकता है वो, ठीक है। अपने पावर्स का अच्छा खासा यूज करे तो यहां तक जा सकता है, अभी तक की उसकी जितनी पावर्स है उसी के बेस में है, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन से तो भैया यहां तक ही जाएगा। अभी तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इसको शेयर भी कर दो यार। मैं वैसे बोलता नहीं हूं शेयर करने को, लेकिन आज कह रहा हूं कर दो यार शेयर प्लीज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो यार।